भी समाजशास्त्र की प्रकृति में मैंने आपको बताया कि समाज क्या है। अब मैं आपको समाज की परिभाषा बताती हूँ, ठीक। अभी बताया कि समाज क्या है, कि समाज हम एक दूसरे, हम या आप समाज हैं, मनुष्यों का योग भी समाज है। समाज के मनुष्य के बिना समाज नहीं और समाज के बिना मनुष्य नहीं। अब हम आपको बताना चाहेंगे समाज की परिभाषा। प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है। संघ है एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संगठित होते। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोगों को कि समाज सामाजिक संबंधों का जान रखना केवल इन्हें। सबसे पहले से कोई आपसे क्वेश्चन करता है आप समाजशास्त्र पढ़ती है समाज क्या है, तो आप सबसे पहले बताएंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और किसने कहा है, तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये सारे प्रोफेसर्स पे आपको परिभाषा में दो कोटेशन लिखने होते हैं प्रोफेसर्स पे। तो सबसे पहले है प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा है, इसको समाजशास्त्री ने कहा, समाजशास्त्री गिडिंग्स ने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संगठित होते हैं। ये आपको सबसे पहले परिभाषा समाज क्या है समाज के बारे में बताने के बाद आपको ये परिभाषा बतानी होगी कि प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, समाज औपचारिक संबंधों का योग है और जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संगठित होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि समाज अमूर्त है, अमूर्त मीन्स जिसको कि हम नहीं देख सकते हैं। फिर देखिए मॉरिस बिंग्सवर्थ के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहारों के कुछ ढंगों द्वारा संगठित है जो उन्हें उन अन्यों से पृथक करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक समाज व्यक्ति प्रोफेसर गिन्सबर्ग, ये है प्रोफेसर गिडिंग्स और प्रोफेसर गिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों का व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित है जो उन्हें उन अन्यों से पृथक करते हैं, ठीक। जो इन संबंधों में सम्मिलित नहीं है या जो व्यवहार में उससे भिन्न है, यही है प्रोफेसर गिन्सबर्ग का कोटेशन। आप लोगों को अभी तो फिलहाल इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब अभी आप लोगों का फिर जब टेस्ट होगा उसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समाज क्या है, फिर समाजशास्त्रियों का आपको कोटेशन देना होगा, तब उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बताना है। देखिए ट्यूटर ने लिखा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। अभी मैंने आपको बताया प्रोफेसर गिडिंग्स का और प्रोफेसर गिन्सबर्ग का। अब प्रोफेसर ट्यूटर ने लिखा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। राइट के अनुसार, दूसरा समाजशास्त्री राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का वह समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। मैंने पहले ही बताया कि मदारी वाला है झुंड बना के खड़ा है वो समाज नहीं है, समाज पारस्परिक संबंधों के मिलने से बनता है। वही राइट ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। तीसरा है मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों का एक विभाग है, ठीक है। तो इनके अनुसार है, आप देखिए मैं अभी आप लोगों को ये बताऊंगी मैकाइवर एवं पेज के परिभाषा के अनुसार समाज की व्याख्या। देखिए उसमें क्या है, नीतियाँ कार्य प्रणाली अधिकार पारस्परिक सहयोग समूह एवं विभाग मानव व्यवहार
को ही समाज कहते हैं। ये देखिए पॉइंट है, रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिए ये है समाज की प्रमुख विशेषताएं। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ ये वाला लेसन, आप टेस्ट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे आगे जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब कर लीजिए, कल एक और बता देंगे आप लोगों को तो हो जाएगा, कल नहीं पढ़ाएंगे तो मंडे को बताएंगे। ठीक है, कल मान लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद तब हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है।